ये जो बदलाव है कि आज चाहे खूंटी का हो, चाहे बस्तर का हो, चाहे पूर्वोत्तर के छोटे से किसी हिस्से का हो, ये प्रोडक्ट आज ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होना और उस जो मार्केट चेन है उसमें इस समाज की, उसके कौशल की, उनके प्रोडक्ट की भागीदारी होना, ये उस कौशल का और ज्ञान परंपरा का सम्मान है। इसलिए ये जो आपने पूछा कि ये बदलाव किस तरीके से हो रहा है, तो उसका अनुभव जो हमको आज अभी आपके स्क्रीन पर जो स्टॉल्स के रूप में दिख रहा है वो उसका एक जीवंत तो उदाहरण है। बिल्कुल जी आज ये प्रोडक्ट केवल स्टॉल्स के रूप में नहीं, आज हम दिल्ली में तो देखते ही अलग अलग स्टॉल्स में या बड़े शहरों में दिखते हैं कि हमको ये प्रोडक्ट अभी दिखने लगे, लेकिन उसके साथ साथ जो ई कॉमर्स वाला मार्केट है वहां पे भी इन जी प्रोडक्ट्स को रिकग्निशन मिलने लगी है। तो हमने उस ज्ञान परंपरा को पिछड़ेपन का लक्षण नहीं माना, उस ज्ञान परंपरा को हमने आज एक वेल्थ क्रिएशन के मॉडल के रूप में, वोकल फॉर जी लोकल का आविष्कार एक तरह से प्रत्यक्ष आचरण के रूप में उसको सामने लाया है। यानी मुझे लगता सार्थक है कि होता नजर आ रहा है वोकल फॉर लोकल जो है, ना सिर्फ इस बार दीपावली पे भी हमने देखा, और ये जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में बयां कर रही हैं कि किस तरीके से प्रफुल्ल जी के जो वहाँ की ना सिर्फ कला है, संस्कृति है, बल्कि उसके ज़रिए जो अलग अलग उत्पाद जो तैयार किए जा रहे हैं, कैसे वो ना सिर्फ हमारे घरेलू बाजार बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी अब दस्तक दे रहे हैं। मुकुल जी, आप ये समझिए कि शायद भारत की जनजाति के पास सबसे बड़ा ज्ञान परंपरा का जो भंडार है, जी जैसे मैंने कहा कि भारत की हस्तकला, धातुकला, मेटलर्जी उसमें तो है ही, क्योंकि सारी सारी लगभग भारत की जो खाने हैं, चाहे वो लोह हो चाहे कोयला हो, तो वो सारी जनजातीय क्षेत्रों में ही है। जी तो केवल मिट्टी सूंघकर इसमें कौन से जो मिनरल्स है वो होने की संभावना है, जी ये आज भी वहां की महिलाएं बता सकती है। दूसरा, एक बहुत बड़ा हिस्सा इसका जो है, पूर्वोत्तर में मैंने खुद इसका अनुभव लिया है, बस्तर में मैंने पत्रकार के नाते इसका अनुभव लिया है, जी कि जिस तरीके की भारत के वनस्पतियों की, जड़ी बूटियों की, हेल्थ प्रोडक्ट्स की, मेडिकल से जुड़े हुए उत्पादों की समझ इनके पास है। अब धीरे धीरे हमको ये प्रयास करना होगा कि जो भारत का जो एक माइंडसेट बन गया है कि जो पश्चिम के मानकों पर निकला हुआ ज्ञान ही सही में ज्ञान है, पश्चिम के मानकों ने दिया हुआ दवाई दवाई और उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वही सही मायने में दवाई है, जी इस मानसिकता से निकलते हुए बहुत बहुत कोविड के बाद इस पे बहुत बड़े पैमाने पर ये प्रक्रिया शुरू हुई है। ऑर्गेनिक की बात होती है, ये तो मतलब प्रकृति के साथ ही जीने वाले लोग हैं, ये तो कभी फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स यूज करते ही नहीं है। जी तो ये ऑर्गेनिक लिविंग होता क्या है, और ऑर्गेनिक लिविंग मैं कह रहा हूं, केवल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स नहीं कह रहा हूं, ऑर्गेनिक लिविंग मतलब प्रकृति के साथ जीना, प्रकृति के नियमों को समझते हुए उसके अनुसार अपना जीवन डालना। जी तो तो यानी जो झारखंड के लिए हम मेट्रोपॉलिटन कह में सकते हैं ना सिर्फ खनिज संपदा बल्कि कला संस्कृति से भी लबरेज ये राज्य है, जो कहीं ना कहीं अगर जनजातीय क्षेत्रों की बात की जाए जो अभी तक मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाते थे, और अब आइए आपको सीधा ले चलते हैं खूंटी झारखंड। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का शुभागमन इस मंच पर हो चुका है, करतल ध्वनि की गूंज आपके सबकी आनी चाहिए, ऊर्जा से भरी हुई, तालियों के साथ आइए अभिनंदन करें माननीय प्रधानमंत्री महोदय का, जोश के साथ, उल्लास के साथ देश के कोने कोने तक ये आवाज पहुंच रही है आप सबकी। धरती आबा, भगवान बिरसा मुंडा की पावन जन्मस्थली पर आज जनजातीय गौरव दिवस के इस विशाल आयोजन में पधारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन, जोहार आपकी तालियों के साथ देवियों सज्जनों, करतल ध्वनि के साथ।
देश की आजादी के बाद पहली बार देश के प्रधानमंत्री का आगमन धरती आबा की जन्मस्थली उलिहातु में हुआ है। आज एक इतिहास बना है। देश में जनजातीय गौरव की फिर से स्थापना करने वाले, देश के आदिवासियों की सुख समृद्धि शिक्षा और स्वास्थ्य के रूप में उनके समग्र विकास को संकल्पित माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आगमन से आज यहाँ का जन जन आनंदित है, गौरवान्वित है और सम्मानित भी है, क्योंकि आज वो इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी है। एक बार पुनः जोहार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। आज इस अवसर पर मंच पर गरिमामय उपस्थिति है झारखंड के माननीय राज्यपाल श्री सी पी राधाकृष्णन जी की, साथ ही केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी, पद्म भूषण से अलंकृत आदरणीय करिया मुंडा जी, झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी, माननीय विधायक श्री कोचे मुंडा जी, नीलकंठ सिंह मुंडा जी और विकास मुंडा, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। देश में लगभग 200 स्थलों पर आज विकसित भारत संकल्प के साथ जो कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं उनमें उपस्थित सभी माननीय राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्रीगण, केंद्रीय और राज्य सरकारों के माननीय मंत्रीगण, सांसद और विधायकगण और वहां उपस्थित देश भर में 200 स्थलों पर उपस्थित विशाल जन समुदाय का भी हम यहां खूंटी झारखंड से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। देवी सज्जनों, आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन हम सबके लिए गौरव की बात है। मैं निवेदन करूंगा माननीय राज्यपाल श्री सी पी राधाकृष्णन जी से कि वे माननीय प्रधानमंत्री महोदय का यहाँ पर स्वागत करें, उन्हें पारंपरिक शॉल भेंट करके उनका अभिनंदन करें माननीय राज्यपाल महोदय, और हम सब उसमें शामिल होंगे अपनी करतल ध्वनि के साथ, और साथ ही धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की एक प्रतिमा भी उन्हें प्रधानमंत्री महोदय को राज्यपाल महोदय भेंट करेंगे। तालियों की गूंज आपकी आनी चाहिए मंच तक और दूर दूर तक रेडियो से सुनो। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। अब मैं निवेदन करूंगा केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी से कि वे समस्त जनजातीय समाज की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को सरना चैन शॉल, हमारी अपनी पहचान भी है, हमारी जनजातीय परंपराओं का सुंदर रूप है, वो सरना चैन शॉल भेंट करके उनका स्वागत करें, और साथ ही सबई ग्रास से बनने वाली हमारी पारंपरिक जो जनजातीय हैट है वो भी प्रधानमंत्री महोदय को भेंट करेंगे। ये सरना चैन शॉल, तालियों की आवाज आपकी मंच तक जरूर आनी चाहिए और दूर दूर तक आनी चाहिए, और सबई ग्रास से बनने वाली हमारी पारंपरिक हैट हमारे अपने जनजातीय समुदायों परंपराओं का बड़ा सुंदर रूप है। माननीय मंत्री महोदय, भगवान बिरसा मुंडा जी का एक सुंदर चित्र जो है वो भेंट करेंगे माननीय प्रधानमंत्री महोदय को। हम सबके प्रेरणा, आज जिनकी जयंती जनजातीय गौरव दिवस के रूप में जिसे हम मनाते हैं, साथ ही छत्तीसगढ़ के डोकरा आर्ट की एक सुंदर कलाकृति भी माननीय मंत्री महोदय प्रधानमंत्री महोदय को भेंट करेंगे। गाय और बछड़े का यह सुंदर रूप है, वात्सल्य का बड़ा सुंदर भाव है इसमें, आपकी तालियों के साथ इस बात में भी आपकी आप शामिल हो। मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग एक सुंदर रूप होता है हमारी जनजातीय कला का, और यही गोंड पेंटिंग माननीय प्रधानमंत्री महोदय को भेंट कर रहे हैं। माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय, तालियों की गूंज आपकी बार बार इस मंच तक जरूर आनी चाहिए। और साथ ही देश के विभिन्न हिस्सों के हमारे जो जनजातीय उत्पाद हैं उनका ऑर्गेनिक हैम्पर, ये हमारे बंधन केंद्रों के सुंदर प्राकृतिक उत्पाद, वे भी प्रधानमंत्री महोदय को मंत्री महोदय भेंट कर रहे हैं। और अब मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से कि वे झारखंड प्रदेश की ओर से माननीय प्रधानमंत्री महोदय को एक शॉल भेंट करके आप सबकी करतल ध्वनि के साथ उनका वंदन और अभिनंदन करेंगे। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, तालियों के गूंज के साथ ये माननीय प्रधानमंत्री महोदय का यहाँ पर अभिनंदन हो रहा है, और भगवान बिरसा मुंडा की एक प्रतिमा भी यहाँ पर भेंट करेंगे, और एक बड़ा सुंदर कला का रूप है रंग बिरंगे बटन से बना यह सुंदर चित्र भगवान बिरसा मुंडा का, मुख्यमंत्री जी माननीय प्रधानमंत्री महोदय को भेंट कर रहे हैं। आपके करतल ध्वनि के साथ इस अभिनंदन और वंदन में हम सबकी सहभागिता हो, इस रूप में हम सभी शामिल हो। वंदन अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री महोदय का, जोहार धरती आबा की इस पावन धरा पर। देवियों सज्जनों, और अब मैं निवेदन करूंगा केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी से कि वे माननीय प्रधानमंत्री महोदय का और आप सबका स्वागत करने के लिए पधारें।
स्वागत संबोधन के साथ। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्मभूमि कर्मभूमि वीर भूमि में आज माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मंच पर उपस्थित राज्य के महामहिम राज्यपाल, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, भारत सरकार में राज्य मंत्री शिक्षा श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, हम सब के पथ प्रदर्शक पद्म भूषण मान्यवर कड़िया मुंडा जी, राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री मान्यवर बाबूलाल मरांडी जी, मंच पर उपस्थित माननीय विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा जी, माननीय विधायक कोचे मुंडा जी, माननीय विधायक विकास सिंह मुंडा जी और यहाँ उपस्थित दूर दराज गांव से पधारे हुए इस आयोजन में माताओं बहनों भाइयों बुजुर्गों खूंटी और राज्यवासियों मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। वास्तव में आज का दिन जिस दिन को माननीय प्रधानमंत्री जी ने पाथे देकर कि देश के ऐसे माटी के लाल धरती आबा बिरसा मुंडा के जन्मदिन को हम सब देशवासी और खासकर देश के जनजाति समुदाय आदिवासी समुदाय गौरव के साथ इस दिन को मनाएं, जनजातीय गौरव दिवस के रूप में। और आज 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर हम देशवासी जनजाति गौरव दिवस के रूप में मना रहे हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि जिस पाथे के साथ देशवासी और ऐसे जनजाति हीरोज जनजाति वीरों जनजाति रणबांकुरों जिन्होंने आजादी के लिए अपने जीवन को आहुति दी है बलिदान दिया है वैसे लोगों के लिए ये दिन चिन्हित करते हुए भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर देश और दुनिया मना रही। ऐसे समय में हम सब झारखंडवासी देश के तमाम जनजाति इस बात से आह्लादित है कि देश के इतिहास में ये पहला अवसर है कि देश के प्रधानमंत्री ऐसे देश के लिए आहुति देने वाले भगवान बिरसा मुंडा के गांव उली हाथू पहुंचने वाले प्रथम प्रधानमंत्री हैं। जनजाति गौरव दिवस के रूप में इस तिथि का आयोजन जो इतिहास का नया अध्याय बना वहीं आज आपके आने से अध्याय में एक और नया अध्याय जुड़ा, नए इतिहास के रूप में जुड़ रहा है। इसलिए मैं पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस अवसर पर पूरे देश में इस मिट्टी से सुगंध के रूप में फैले ऐसा अभियान के साथ इस समय देश के अधिकांश राज्यों के
महामहिम राज्यपाल जुड़े हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्रीगण जुड़े हुए हैं, 68 जिला में कई मंत्री भारत सरकार के, राज्य सरकारों के, यानी पूरा देश आज खूंटी में भगवान बिरसा मुंडा की धरती से जुड़ा हुआ है। और इस आयोजन में आज यहां से एक नई यात्रा का शुभारंभ हो रहा है, विकसित भारत संकल्प यात्रा, जिसके माध्यम से गांव-गांव, कस्बे, टोले, मोहल्ले तक लोगों के पास जागरूकता पैदा करते हुए स्वच्छता, आवश्यक सुविधाएं, वित्तीय सेवाएं, बिजली का कनेक्शन, एलपीजी सिलेंडर, गरीब के ऐसे कल्याणकारी तमाम योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचे, जनता को मिले, और सैचुरेशन मोड के साथ ग्राम्य विकास के माध्यम से देश का विकास हो और विकसित भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो कल्पना है वो हमारी पूरी हो। तो यह खूंटी की धरती इस बात के लिए भी धन्य है और आप धन्य हैं जो इस भूमि से इस तरह की योजना प्रारंभ कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने इसके साथ साथ ही एक ऐसी योजना की पहल की है जो अभूतपूर्व है, जिस योजना को आप हम सब इस बात के लिए कभी इतना ध्यान नहीं दे पाते थे। 75 ऐसे समूह हैं जो आदिवासी में से सबसे पिछड़े यानी आदिम तरीके से सुदूरवर्ती क्षेत्र अंडमान निकोबार से लेकर इस पूरे भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 22,500 गांव, 22,500 गांव के लिए, 22,500 गांव के लिए एक नई योजना का सूत्रण हो रहा है। जनमन, जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, जिसके माध्यम से उन गांव में उन सारी सुविधाओं को स्पेशल विशेष तरीके से पहुंचाने का लक्ष्य लेकर इसी मिट्टी से आज शुरू हो रहा है 24,000 करोड़ की जनमन यानी जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। इसके पहले और कई तरह की योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पर ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री, जनजाति मंत्रालय ने प्रारंभ किया है। हेल्थ की योजना, आरोग्य, जन आरोग्य योजना, जिसमें जो सिकिल सेल की समस्या है उसको समूल नष्ट करने का, समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है कि 2047 में जब भारत 100 साल मनाएगा, इस देश से यह जो बीमारी है समूल नष्ट होगा, यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह दूरदर्शी नेतृत्व का परिणाम है कि इस तरह का लक्ष्य लेकर कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया है और उसका बहुत अच्छा परिणाम दिखाई दे रहा है। मैं इस बात के लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इस आयोजन के लिए उन्होंने एक दिन पहले यानी 14 नवंबर को झारखंड पधारने का काम किया। झारखंड में उन्होंने 14 नवंबर को पधारकर जो देश भर में संग्रहालय बनाए जा रहे हैं जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों का, उसमें भगवान बिरसा मुंडा का संग्रहालय रांची में बनाया गया है। उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूं संग्रहालय में भी अपने वीर सपूतों को, जिसमें झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में अंग्रेजों के कार्यकाल में जो लड़ाई लड़ने वाले वीर थे, सारे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उलिहातू में भगवान बिरसा मुंडा के जन्म स्थल पर पहुंचे। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जनजाति क्षेत्रों, जनजाति भाइयों और जनजातीय ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी का दृष्टिकोण, दृष्टि और आने वाले दिनों में दूरदर्शी के साथ उन क्षेत्रों में, उन समुदायों में विकास का कैसे
कार्य आगे बढ़े। लगातार विभिन्न आयोजनों में परंपरागत व्यवस्था के साथ हमेशा माननीय प्रधानमंत्री जी उदाहरण के साथ देते हैं, कहते हैं कि आज यदि पर्यावरण का संकट है तो हमें समझना चाहिए वैसे लोग जो आदिकाल से अपने परंपराओं के साथ पर्यावरण के साथ जुड़कर सहचर तरीके से अपना जीवन पद्धति को आगे बढ़ाते हुए अपने पहचान को बरकरार रखे हैं, उनके जीवन चरित्र को समझ करके यदि हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे तो उस समस्या का समाधान हम ढूंढ पाएंगे। तो ऐसे सोच के साथ जनजातीय मंत्रालय वनाधिकार पर काम कर रहा है ताकि जो वनाधिकार का मूल अवधारणा है वो पूरी हो और गांव सहचर व्यवस्था के साथ आगे बढ़े। ट्राइफेड के माध्यम से वनोपज को सही मूल्य मिले। पहले 2014 के पहले सिर्फ 15 ऐसे वनोपज को सपोर्ट प्राइस मिलता था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 के बाद आज 81 वनोपज को सपोर्ट प्राइस दिया जाता है। इस तरह का निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और ट्राइफेड के माध्यम से बंधन कार्य अभी स्टॉल देख करके आ रहे हैं। बंधन के माध्यम से देश भर में हमारी महिला सशक्तिकरण का, गांव के समावेशी विकास का, योजना को रोजगार के साथ जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। 2014 के पहले इस मंत्रालय का बजट मात्र 4,295 करोड़ था, वहीं 2023-24 में इस समय 12,461 करोड़ जहां है, वहीं जनजातीय घटक के रूप में 2014 के पहले 24,000 करोड़ था, आज 1,19,000 करोड़ इन क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। मैं इसके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आकांक्षी जिला और आकांक्षी प्रखंड के माध्यम से सेचुरेशन मोड में ग्राम्य विकास हो, इसके लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। वहीं जनजातीय गांव में से 36,000 गांवों को सिलेक्ट किया गया है आदि आदर्श ग्राम योजना के माध्यम से, जिससे कि उन गांवों को समग्र रूप से विकसित करते हुए आदि आदर्श ग्राम मॉडल विलेज के रूप में परंपरागत ढंग से आगे बढ़ाने का काम हो। तो इस तरीके से लगातार भारत सरकार के माध्यम से जनजाति मंत्रालय और इसके साथ आज यहाँ पर जिन योजनाओं का शुभारंभ होने जा रहा है, 12 ऐसे मंत्रालय जो इस समय इस अभियान के लिए जुड़े हुए स्पेशल फोकस के साथ, ताकि ये 24,000 करोड़ के लागत से जो हम कहते हैं सबसे पीछे के पंक्ति में बैठे हुए लोगों को विकास के किरणों के साथ सही तरीके से जोड़ने का लक्ष्य को पूरा करने के दृष्टि से यह अभियान आज से प्रारंभ होगा या लॉन्चिंग होगा। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी कई ऐसे कार्यक्रम, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का आज 2014 के पहले और आज 740 एकलव्य मॉडल स्कूल ब्लॉक लेवल में, पहले 280 विद्यार्थियों के लिए, 40 विद्यार्थियों के लिए, अभी 480 विद्यार्थियों के लिए ब्लॉक लेवल में विद्यालय खोले जा रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा उनके लिए क्वालिटी एजुकेशन, हम ऐसे न छोड़ दे कि विद्यालय खोल दिए हैं, बल्कि उनके क्वालिटी एजुकेशन गुणवत्ता के साथ अच्छी शिक्षा, ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वो तैयार हो सके। पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मंत्री परिषद ने ऐतिहासिक फैसला करते हुए 38,000 शिक्षकों की बहाली करने का स्वीकृति माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। तो शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में, आत्मनिर्भरशीलता में, परंपरागत व्यवस्था में, वनों के साथ जुड़ करके जो जीवन पद्धति है उसमें, उनके संवैधानिक अधिकारों में, हमेशा प्रधानमंत्री पूरे देश के अंदर सभी लोगों को जोड़ते हुए इस तरह के अभियान को प्रारंभ करने का मार्गदर्शन देते हैं। और आज जो कार्यक्रम यहाँ पर इस धरती से प्रारंभ हो रहा है वह ऐतिहासिक कार्यक्रम, मैं इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी का पुनः
हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत आभार माननीय श्री अर्जुन मुंडा जी का। देवी सज्जनों, आज के इस कार्यक्रम में मंच पर गरिमामय उपस्थिति है झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी की। मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारे। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी। आज झारखंड के इस वीर भूमि पर धरती आवा के इस भूमि पर और झारखंड के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर आज हमारे राज्य में आए हुए आज इस महत्वपूर्ण दिन में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज हमारे साथ मंच पर उपस्थित हैं और समय भी बहुत संक्षिप्त है, प्रधानमंत्री जी को आगे भी जाना है और यहाँ उपस्थित सभी आदरणीय सम्मानित अतिथिगण, संक्षिप्त में बातों को रखना चाहूँगा और चूंकि झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है और मैं भी उसी समाज से भी आता हूँ, मुझे गर्व है आदिवासी होने का और आज आपने पूरे देश को आज इस कार्यक्रम से जोड़ा है। निश्चित रूप से भगवान बिरसा मुंडा इस राज्य का ही नहीं पूरे देश के ही भगवान आदिवासियों के हैं और वैसे भी पूरा झारखंड वीरों की धरती रही है, चाहे वो भगवान बिरसा मुंडा हो, सिद्धू कान्हू हो, चांद भैरव हो, फूलो जानो हो, तेलंगाना खड़िया हो और आपने इसकी एक झलक हमारे बिरसा म्यूजियम में देखा भी और निश्चित रूप से आदिवासी समाज सदियों से अपनी हक अधिकार की लड़ाई लड़ता रहा है, चाहे वो अंग्रेजों से हो, चाहे वो महाजनों से हो, आखिरी व्यक्ति तक फांसी में लटकने के लिए तैयार रहा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, इतिहासकारों ने आज तक हम आदिवासियों को उचित जगह नहीं दिया। आज यहां से प्रिमिटिव ट्राइब्स के लिए विशेष योजना की घोषणा हुई है, वो हमारे समाज के सबसे अत्यंत पिछड़े आदिवासी हैं और निश्चित रूप से ये हम सबों के लिए एक चुनौती है। अगर उस वो प्रिमिटिव नहीं बचा तो अगली बार निश्चित रूप से हम प्रिमिटिव ट्राइब्स में आ जाएंगे। और बहुत विचित्र बात है, आज हम जहां चांद की ओर बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं, पहुंच चुके हैं, वहीं आज समाज के अंदर आदिवासी, प्रिमिटिव ट्राइब्स, पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति, स्वर्ण जाति, अत्यंत गरीब स्वर्ण जाति, इस तरीके के जो अंतर दिख रहे हैं, मुझे लगता है कि आज के इस युग में भी इस अंतर को पढ़ जाना चाहिए था।
मैं एक आदिवासी राज का नेतृत्व कर रहा हूं और आज जहां हम विकास के लाइन में खड़े अंतिम व्यक्ति की बात करते हैं, मुझे लगा कि आज भी ये बात सिर्फ अखबारों में और कागजों में ही दिखती है, लेकिन हम लोगों ने यह प्रयास किया है। सरकार आपके द्वार के माध्यम से, सरकार की आंखें, सरकार की आवाज राज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और हर एक व्यक्ति को विकास के कड़ियों से हम जोड़े। आप यहां आए और हमें बहुत और पूरी आशा है कि आज ये आदिवासी विकास के जो लक्ष्य हैं, इसको हम राज्यों में, चाहे झारखंड हो, चाहे पूरा देश हो, आप पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और निश्चित रूप से जिस तरीके से आज इस कार्यक्रम को लेकर पूरे देश को आपने जोड़ा है, और ये निश्चित रूप से आज का ये आपका जो संदेश होगा, ये आदिवासियों के लिए एक मील का पत्थर साबित हो और झारखंड प्रदेश भी इसमें और बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले सके। प्रधानमंत्री जी, झारखंड कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण सोच, महत्वपूर्ण चीजों को लेकर आगे बढ़ा है, चाहे खनिज संपदा को लेकर हो, चाहे खिलाड़ियों के लिए को लेकर हो, चाहे और किसी अन्य विषय को लेकर हो। प्रधानमंत्री जी, हम ये आग्रह करना चाहेंगे कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर आदिवासी जो जंगलों में बसते हैं, वो बड़े पैमाने पर विस्थापित का भी दंश झेलना पड़ता है। खनिज संपदाओं को निकालने के लिए बड़े पैमाने पर आज से नहीं, 100 सालों से इनका विस्थापन होता रहा है। मैं आशा और उम्मीद करूंगा कि इस क्षेत्र में भी बसने वाले जो लोग हैं, उनके प्रति भी कोई विशेष ऐसी कार्य योजना तैयार की जाए, जहां हमारे आदिवासी भाई अपने जल, जंगल, जमीन के साथ अपने आप को समग्र विकास के कड़ियों में जोड़ सके। हम और ज़्यादा विशेष नहीं करना चाहेंगे। आज आपको सुनने के लिए यहाँ हम लोग एकत्रित हुए हैं और निश्चित रूप से आज उली हाथों में आज पहली बार आप आए हैं। हम लोग तो कई बार आ चुके हैं और इसी आशा उम्मीद के साथ कि कोई इस समाज को आगे मुख्यधारा की ओर जोड़ेगा, और आपने ये पहला प्रयास किया है, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का। देवी सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री महोदय की प्रेरणा और पहल पर आप सब जानते हैं कि वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में देश के जो हमारे अत्यंत कमजोर जनजातीय समुदायों के समग्र विकास के लिए एक अभियान का संकल्प लिया गया था, आज वही संकल्प साकार होने जा रहा है। प्रधानमंत्री जनमन पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के रूप में, जिसका शुभारंभ आज स्वयं माननीय प्रधानमंत्री महोदय के करकमलों से होगा। प्रधानमंत्री जनमन के डेटाबेस और मॉनिटरिंग के लिए पीएम गति शक्ति के साथ जोड़कर इस मिशन के लिए एक पोर्टल भी तैयार किया गया है, जो बायोसेक अहमदाबाद द्वारा बनाया गया है। यह अवसर है जब मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करूं कि अपने कर कमलों से रिमोट का बटन दबाकर प्रधानमंत्री जनमन पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान की शुरुआत करने की कृपा करें और आपके उल्लास जोश से भरे करतल ध्वनि के साथ बीते 9.5 साल रहे हैं जनजातीय सम्मान के, जनजातीय स्वाभिमान के, जनजातीय कल्याण के, और ये सब संभव हुआ है हमारे जनजातीय भाई बहनों की जरूरतों और आकांक्षाओं को भली भांति समझने वाले भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व, दृढ़ संकल्प और अथक प्रयासों के कारण। साथियों, आदिवासी समाज में शौर्य भी है,
प्रकृति के साथ सहजीवन और समावेश भी है। केंद्र सरकार की योजनाओं से देश के करोड़ों आदिवासी परिवारों का जीवन आसान हुआ, उन्हें देश में हो रहे विकास का लाभ मिला। भारत जनजातीय विविधता से भरा देश है। यहाँ हिमालय से अंडमान व निकोबार तक 700 से अधिक अनुसूचित जनजातियां हैं। देश की अभूतपूर्व विकास यात्रा में सभी भागीदार हों और कोई पीछे न छूटे, इसलिए देश के सुदूर व दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाली करीब 75 जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्तर को बढ़ाने और सर्वांगीण विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान का राष्ट्रव्यापी शुभारंभ कर रहे हैं। इस मिशन के तहत देश भर के 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 220 जिलों के 22,500 गांवों में रहने वाली 28 लाख जनजातीय आबादी कवर होगी। आज जब देश लोक कल्याण से जुड़ी योजनाओं से 100% लाभार्थियों को जोड़ने के लिए संकल्पबद्ध प्रयास कर रहा है, तो ये मिशन योजना में शामिल जनजातीय समुदाय के लिए 100% कवरेज के साथ स्थानीय कला और परंपरा के अनुरूप सुरक्षित आवास और स्वच्छ पेय जल से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सड़क, बिजली, दूर संचार कनेक्टिविटी और स्थायी आजीविका तक सभी सुनिश्चित करने की दिशा में एक व्यापक और समग्र पहल है। इस योजना के द्वारा मोदी सरकार की गारंटी है कि कवरेज क्षेत्र में रहने वाले जनजातीय समुदायों को मिलेगी मुफ्त इलाज की निश्चिंतता, होगी हर घर सिकल सेल टेस्टिंग और वैक्सीनेशन, इन समुदायों में भी IMR और MMR होगा बाकी देश के समान, युवाओं को मिलेंगे शिक्षा और छात्रवृत्ति के मौके, साथ ही वन धन केंद्रों से मिलेंगे रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर। मोदी सरकार होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ जनजातीय समुदायों के समग्र विकास के लिए विभिन्न योजनाओं को सैचुरेशन मोड में लाने के लिए लगातार कदम उठा रही है। इन सभी परियोजनाओं के कुशल कार्यान्वयन के लिए पीएम गति शक्ति पोर्टल का भी उपयोग किया जाएगा। इन समुदायों का सटीक डेटा एकत्र करने और पीएम गति शक्ति पोर्टल पर डेटा मैपिंग में सहायता के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन भी बनाई गई है, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी आज लॉन्च कर रहे हैं। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के दिन प्रारंभ हो रही ये योजना इस बात को रेखांकित करती है कि वंचितों को वरीयता ही मोदी सरकार की प्राथमिकता है। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का, और आप सबको बहुत बहुत बधाई प्रधानमंत्री जनमन के इस महाअभियान की। देवियों सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जब देश की बागडोर संभाली थी, तभी से देश के किसानों की खुशहाली और समृद्धि को उन्होंने अपनी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में जगह दी थी। इसी उद्देश्य से प्रधानमंत्री महोदय ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी। इसमें 2,000 रुपए की 3 किश्तों में राशि, यानी कुल 6,000 रुपए की राशि हर वर्ष सीधे किसानों के खातों में पहुंचती है। आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति में पीएम किसान सम्मान निधि की 15वीं किश्त जो है वो जारी करेंगे। मैं निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि वे एक बार पुनः रिमोट का बटन दबाकर पीएम किसान सम्मान निधि की 15वीं किश्त जारी करने की कृपा करें। आज के नए भारत का किसान पहले से अधिक समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में लगातार कृषि और कृषक को और ऊर्जावान बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। पीएम किसान निधि ने
उनकी बहुत बड़ी चिंता को कम कर दिया है। 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण कदम है पीएम किसान सम्मान निधि योजना, समृद्धि और खुशहाली पर केंद्रित सशक्त कदम, जिसके चलते भारत के अन्नदाता आधुनिक खेती द्वारा खाद्य उत्पादन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी कर रहे हैं। इसमें पात्र किसानों को साल में 4 महीने के अंतराल पर 3 किश्तों में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर यानी DBT द्वारा 6,000 रूपए की राशि प्राप्त हो रही है। सीधे बैंक खातों में आती इस वित्तीय सहायता से किसान अपने आर्थिक मामलों को बेहतर ढंग से प्रबंधित करते हैं। लाखों किसानों का जीवन सुधरने लगा है। आमी एक किसान सम्मान नीति पे आमी खूब उपकृत है, आमी निजो सम्मानित है। विकसित भारत की परिकल्पना किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने और उन्हें कृषक हितैषी और टिकाऊ खेती के लिए सशक्त बनाने पर केंद्रित है। इस योजना से किसानों को लाभ भी हुआ और जोखिम लेने की क्षमता भी बढ़ी। किसान लाभार्थी अपने खाता संख्या की जांच, रजिस्ट्रेशन और अन्य सेवाओं के लिए पीएम किसान योजना के अपग्रेडेड मोबाइल ऐप का उपयोग कर सकते हैं। पीएम किसान योजना देश भर के किसानों के लिए लाई है एक नया सवेरा। तभी तो हर किसान का समृद्धि और सामर्थ्यवान होने का सपना हो रहा है पूरा। देश के किसान भाइयों और बहनों को उनकी मेहनत का मान सम्मान दिलाने के लिए प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आज पीएम किसान योजना की 15वीं किस्त जारी की जा रही है, जिसमें 8 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ से अधिक की धनराशि का हस्तांतरण किया जा रहा है। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री का। पुनः देवे सज्जनों, आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से विशेष रूप से झारखंड वासियों के लिए 7,200 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण होने जा रहा है। आज झारखंड के स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों के लिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय की तरफ से यह विशेष सौगात है। इनमें जिन 4 परियोजनाओं का शिलान्यास होना है वे हैं CCL का KDH पूर्णाडीह कोल हैंडलिंग प्लांट, IIIT रांची का अस्थाई परिसर, राष्ट्रीय राजमार्ग 133 के मेहगामा हंसडीहा सेक्शन के 4 लेन का कार्य, राष्ट्रीय राजमार्ग 114 ए के बासुकीनाथ देवघर सेक्शन के 4 लेन का कार्य। आज जिन विकास परियोजनाओं का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय करेंगे वे हैं IIM रांची का अस्थायी परिसर, IIT ISM धनबाद का नवनिर्मित एक्वामरीन छात्रावास, बोकारो में नया पेट्रोलियम ऑयल और लुब्रिकेंट डिपो, हटिया पाकड़ा जरांगडीह पतरातू और तालगोरिया बोकारो रेल लाइनों का दोहरीकरण यानी डबल रेल लाइन का निर्माण और झारखंड राज्य में पूरे रेल नेटवर्क के 100% विद्युतीकरण का कार्य। मैं निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से पुनः कि वे अपने कर कमलों से इन महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण करने की कृपा करें। रिमोट का बटन दबाकर देवियों से चुनो। झारखंड प्राकृतिक संपदा से समृद्ध असीम संभावनाओं का राज्य। झारखंड महान स्वतंत्रता सेनानी और जनजातीय समुदाय के आदर्श
धरती आबा बिरसा मुंडा की कर्म भूमि। पिछले 9 वर्षों के दौरान मोदी सरकार द्वारा झारखंड के समग्र विकास और जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं। आज भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती जनजातीय गौरव दिवस और झारखंड के स्थापना दिवस के पावन अवसर पर राज्य को कई परियोजनाओं की सौगात मिलने जा रही है। आज जब हम देश के विकास में भागीदार बन रहे आदिवासी समाज को देखते हैं, दुनिया में पर्यावरण को लेकर अपने भारत को नेतृत्व करते हुए देखते हैं, तो हमें भगवान बिरसा मुंडा का चेहरा प्रत्यक्ष दिखाई देता है। झारखंड की आर्थिक प्रगति और इंफ्रास्ट्रक्चर को गति देने वाली 7000 करोड़ रुपए से अधिक की जिन परियोजनाओं का आज लोकार्पण तथा शिलान्यास किया जा रहा है, उनमें शिक्षा, सड़क, पेट्रोलियम, कोयला एवं रेल मंत्रालय की परियोजनाएं शामिल हैं। KDH पूर्णाडीह कोल हैंडलिंग प्लांट CCL का शिलान्यास। इस अत्याधुनिक कोल हैंडलिंग प्लांट के बनने से कोयले के परिवहन एवं लोडिंग क्षमता में होगी वृद्धि और कोयले की निर्बाध आपूर्ति होगी सुनिश्चित। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को सशक्त करते हुए आज झारखंड में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान रांची के कैंपस का शिलान्यास। भारतीय प्रबंधन संस्थान रांची के स्थायी परिसर का राष्ट्र को समर्पण और IIT ISM धनबाद में नवनिर्मित एक्वा मरीन स्टूडेंट्स हॉस्टल का राष्ट्र को समर्पण। झारखंड के इन उच्च शिक्षण संस्थानों में इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार और नए परिसरों के निर्माण से शैक्षणिक गतिविधियों के सुचारू संचालन में सहायता मिलेगी। साथ ही स्टूडेंट्स को भी अत्याधुनिक वातावरण में अपनी प्रतिभा को निखारने का अवसर प्राप्त होगा। यहाँ वर्ल्ड क्लास माहौल में शिक्षा ग्रहण करने वाले युवा भविष्य में विकसित भारत के निर्माण में दे सकेंगे अपना भरपूर योगदान। पूरे देश में सड़क संपर्क को सुदृढ़ करने की दिशा में आज झारखंड में NH 133 के महगामा हंसडीह खंड को 4 लेन में बदलने एवं वासुकीनाथ देवघर खंड को 4 लेन में परिवर्तित करने का भी शिलान्यास किया जा रहा है। इनके निर्माण से खनिजों एवं अयस्कों का तेज परिवहन हो सकेगा, जिससे जनजातीय बहुल क्षेत्रों में प्रगति होगी। साथ ही बाबा बैद्यनाथ धाम एवं वासुकीनाथ मंदिर जैसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों तक पहुंच होगी आसान। वहीं आज बोकारो में POL डिपो का राष्ट्र को समर्पण किया जा रहा है। आज झारखंड राज्य के रेलवे नेटवर्क के 100% विद्युतीकरण का राष्ट्र को समर्पण भी किया जा रहा है। इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ ही कार्बन फुटप्रिंट्स में आएगी कमी। इसके अतिरिक्त पतरातु जरंगडीह रेल खंड का दोहरीकरण, हटिया पकरा रेल खंड का दोहरीकरण और तालगढ़िया बोकारो रेल खंड का दोहरीकरण भी किया जा रहा है। इन रेल परियोजनाओं के पूर्ण होने से यहां वंदे भारत जैसी हाई स्पीड ट्रेनों का संचालन हो सकेगा संभव। इन परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास से न केवल झारखंड के विकास को गति मिलेगी, बल्कि ये परियोजनाएं नए भारत के निर्माण के संकल्प को भी पूरा करने वाली सिद्ध होगी। आप सभी को इन परियोजनाओं की हार्दिक बधाई, आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। देवियो सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री महोदय का यह सदैव प्रयास रहता है कि सरकार द्वारा जो योजनाएं अलग अलग स्तरों पर चलाई जा रही हैं, अलग अलग तरह की समयबद्ध तरीके से समाज के अंतिम पायदान तक पहुंचें। और इस दिशा में आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय की प्रेरणा से एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पहल होने जा रही है। ये पहल है विकसित भारत संकल्प यात्रा के रूप में। आज इस संकल्प यात्रा को माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ खूंटी से रवाना करेंगे। इसके बाद देश के लगभग 200 कार्यक्रम स्थल जो इस समय कार्यक्रम चल रहे हैं और जो हमसे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, वर्चुअल मोड पर जुड़े हुए हैं, वहां से भी इसके बाद ये यात्रा शुरू होगी और देश के 68 जनजातीय बाहुल्य वाले जिलों, देश भर में 15,000 से भी अधिक जनजातीय बाहुल्य वाली ग्राम पंचायतों तक ये विकसित यात्रा पहुंचेगी। तो विकसित भारत का संकल्प आकार लेगा, साकार होगा।
यह अवसर है जब मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करूं कि वे अपने कर कमलों से यहां झंडे दिखाकर इस विकसित भारत संकल्प यात्रा को यहां से रवाना करें और आपकी शुभकामनाएं आपके करतल ध्वनि के रूप में आपकी तालियों के रूप में जरूर मिलनी चाहिए। स्क्रीन पर आप इन वैन को रवाना होते हुए देख पाएंगे जो यहां झंडे दिखाए जाने के बाद यहां से रवाना हो रही हैं और ये अपने आप में एक बहुत विलक्षण संकल्प भी है अवसर भी है हम सब के लिए और पूरा देश इस समय 200 स्थल कार्यक्रम स्थल हमारे साथ सीधे सीधे जुड़े हैं। एक बार शुभकामनाएं आप सबके तरफ से आनी चाहिए जोश और उमंग से भरी तालियों के साथ हम सबको ऊर्जा के साथ इस विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होना है। देवियों सज्जनों ये हम सबका संकल्प है क्योंकि सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास और सबका विश्वास की एक यात्रा है। ये यहां से वैन रवाना होते हुए आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 22 नवंबर तक ये यात्रा चलेगी जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। 22 नवंबर के बाद पूरे भारत के हर ग्राम पंचायत तक ये संकल्प इस रूप में पहुंचेगा। देवियों सज्जनों आज जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने भी आप सबके लिए हम सबके लिए अपना शुभ संदेश भेजा है। जनजातीय समाज और उसमें भी विशेष रूप से अत्यंत कमजोर आदिवासी समुदायों के उत्थान को लेकर उनका सदैव विशेष आग्रह रहता है। इसी वर्ष जून में राष्ट्रपति महोदया ने देश के चिन्हित 75 PVDG समुदाय के सदस्यों को राष्ट्रपति भवन आमंत्रित किया और उनके साथ संवाद भी किया था। आज इस अवसर पर उनका शुभ संदेश मिला है यह हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। आइए सुनते हैं माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का ये शुभ संदेश। मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार जोहार। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पर मैं सभी देशवासियों की ओर से उन्हें शत शत नमन करती हूँ। पिछले वर्ष मुझे भगवान बिरसा मुंडा के गांव उलिहातू में जाने और उनकी प्रतिमा को पुष्पांजलि अर्पित करने का सौभाग्य मिला था। उस तीर्थ यात्रा की स्मृतियाँ मेरी मानस पटल पर सदैव अंकित रहेगी। भगवान बिरसा मुंडा हमारे स्वाधीनता संग्राम के प्रमुख सेनानी समाज सुधारक और जनजातीय अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले अद्वितीय महानायक थे। भारत सरकार ने 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती के अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस मनाने का ऐतिहासिक निर्णय लेकर सदियों से उपेक्षित जनजातीय समाज के प्रति सबका साथ सबका विकास के हमारे संकल्प को और मजबूत बनाया है। आज का ये दिन जनजातीय लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास के प्रयासों को आगे बढ़ाने का भी एक सुअवसर है। मेरा जनजातीय समुदाय से विशेष लगाव है क्योंकि मैं खुद भी इसी समाज की बेटी हूँ। इस समाज के कष्टों और विषमताओं को मैंने करीब से देखा है और उसे जिया भी है। मुझे कई वर्षों तक ओडिशा झारखंड और देश के अलग अलग स्थानों पर जनजातीय समुदाय की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं जब झारखंड में राज्यपाल थी तब भी और अब राष्ट्रपति भवन में भी मुझे समय समय पर अपने जनजातियों भाई बहनों से संवाद का अवसर मिलता रहा है। देश अमृत काल से गुजर रहा है। समावेशी विकास हमारा लक्ष्य है। जनजातीय गौरव दिवस का ये पर्व समावेशी विकास का उत्सव है। मुझे विश्वास है कि जनजातियों समाज में भी विशेष सहायता योग्य समुदायों के हित में आज शुरू किया गया पीएम जनमन अर्थात पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। आवास शौचालय नल से जल शिक्षा स्वास्थ्य सड़क से कनेक्टिविटी बिजली और आधारभूत जरूरतों से वंचित समुदायों तक सरकार स्वयं पहुंच रही है। जनकल्याण के ऐसे समावेशी प्रयास बहुत ही सराहनीय है। मैं आशा करती हूं कि 24,000 करोड़ रुपया की राशि से शुरू किया जा रहा पीएम जनमन
पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान भारत की समावेशी प्रगति में मील का पत्थर साबित होगा। ये मिशन अमृतकाल के दौरान विकास की धारा से जन जन को जोड़ेगा और विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होगा। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का इस पीएम जनमन पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के लिए विशेष रूप से साधुवाद करती हूँ। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और निरंतर प्रयासों से पिछले 10 वर्षों से जनजातीय समुदाय ही नहीं बल्कि समाज के सभी वंचित समुदायों को वरीयता देने का सशक्त कार्य किया गया है। मैं जनजातीय समुदाय के विकास तथा इस महाअभियान की सफलता के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार माननीय राष्ट्रपति महोदय का उनके इस शुभ संदेश के लिए। दिव्य सज्जनों, आज भारत अपने अमृतकाल में विकास की पूरी गति और पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ रहा है। देश के कीर्तिवान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है भारत देश को विकसित राष्ट्र बनाने का, और इस यात्रा में देश के हर वर्ग हर समुदाय की विशेष भूमिका है जिसके लिए हम सबको संकल्पित होना है और जिसकी प्रेरणा हमें माननीय प्रधानमंत्री महोदय से मिलती है। आज हम सभी जो यहाँ हैं, वो भी जो देश के विभिन्न स्थानों से हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, वे सब भी यानी हम सब मिलकर माननीय प्रधानमंत्री महोदय के सानिध्य में विकसित भारत का संकल्प लेंगे, शपथ लेंगे, प्लेच करेंगे और मंच से ये शपथ बोली जाएगी। आप सब अपने अपने स्थान पर खड़े होकर अपना दाहिना हाथ आगे करके ये शपथ लेंगे, ये प्रण लेंगे। मंच से इसकी शुरुआत होगी और आप उसे दोहराएंगे। आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो, अपना दाहिना हाथ आगे की तरफ करें। शपथ की हम अब शुरुआत कर रहे हैं। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का, जिनके सानिध्य में हम सबको यह सौभाग्य मिला, और आप सभी का भी बहुत बहुत आभार। और आपसे निवेदन, आप अपना स्थान ग्रहण करें। देवी सज्जनों, इस देश के आदिवासी जनजातीय समुदायों ने अपने सम्मान, अपने स्वाभिमान और देश की स्वतंत्रता के लिए लंबा संघर्ष किया, बलिदान भी दिया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस समाज के योगदान को नमन करते हुए इनके गौरव की फिर से स्थापना का हर संभव प्रयास किया है, संकल्प लिया है और हम सबको इसके लिए प्रेरित भी किया है। और इसी का परिणाम है कि सबका साथ सबका विकास के संकल्प के साथ 2014 में जो यात्रा शुरू हुई थी, आज उसमें आपका विश्वास भी जुड़ा है और आपका प्रयास भी जुड़ा है। आज माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में धरती आबा के, आपके, हम सबके सपनों का भारत आकार ले रहा है, साकार हो रहा है। आइए आप सबके करतल ध्वनि के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र आग्रह करें कि आज के इस भव्य दिव्य विशाल आयोजन में अपने संबोधन से हम सबका मार्गदर्शन करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। भारत माता की, भारत माता की, धरती आबा,
भगवान बिरसा मुंडा की, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन जी, मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत सोरेन जी, केंद्र सरकार के मेरे सहयोगी मंत्री अर्जुन मुंडा जी, अन्नपूर्णा देवी जी, हम सबके वरिष्ठ मार्गदर्शक श्रीमान करिया मुंडा जी, मेरे परम मित्र बाबूलाल मरांडी जी, अन्य महानुभाव और झारखंड के मेरे प्रिय परिवारजन, आप सभी को जोहार। आज का दिन सौभाग्य से भरा हुआ है। मैं कुछ देर पहले ही भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातु से लौटा हूं। उनके परिजनों से भी बड़ी सुखद मुलाकात हुई है और उस पवित्र माटी को माथे पर चढ़ाने का एक परम सौभाग्य मुझे मिला है। मुझे भगवान बिरसा मुंडा मेमोरियल पार्क और फ्रीडम फाइटर म्यूजियम देखने का भी अवसर मिला है। 2 साल पहले आज के ही दिन मुझे ये म्यूजियम देश को समर्पित करने का सौभाग्य मिला था। मैं सभी देशवासियों को जनजातीय गौरव दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और देश के सैकड़ों स्थानों पर देश के सभी वरिष्ठ जन आज झारखंड का स्थापना दिवस भी मना रहे हैं। अटल जी के प्रयास से ही इस राज्य का गठन हुआ था। देश को विशेषकर झारखंड को अभी 50,000 करोड़ रुपए की अलग अलग योजनाओं का उपहार मिला है। आज झारखंड में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के विस्तार के तहत कई रेल परियोजनाओं को शुरू किया गया है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि झारखंड भी देश के 100% इलेक्ट्रिफाइड रेल रूट वाला राज्य बन गया है। इन परियोजनाओं के लिए मैं आप सभी मेरे झारखंड वासियों को बहुत सारी बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, जनजातीय गौरव और संघर्ष के प्रतीक भगवान बिरसा मुंडा की गाथा हर देशवासी को प्रेरणा से भर देती है। झारखंड का कोना कोना ऐसे ही महान विभूतियों को उनके हौसलों और अनथक प्रयासों से जुड़ा है। तिलका मांझी, सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो जानो, नीलांबर, पीतांबर, उत्तरा जत्रा ताना भगत और अल्बर्ट एक्का जैसे अनेक वीरों ने इस धरती का गौरव बढ़ाया है। अगर हम आजादी के आंदोलन को देखें तो देश का ऐसा कोई कोना नहीं था जहां आदिवासी योद्धाओं ने मोर्चा नहीं लिया हो। मानगढ़ धाम में गोविंद गुरु के योगदान को कौन भूल सकता है। मध्य प्रदेश के तंत्या भील भीमा नायक, छत्तीसगढ़ के शहीद वीर नारायण सिंह, वीर गुंडाधुर, मणिपुर के रानी गाइडिनलियो, तेलंगाना के
वीर रामजी गोंड आदिवासियों को प्रेरित करने वाले आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू, गोंड प्रदेश की रानी दुर्गावती, ये वो विभूतियां हैं जिनका देश आज भी ऋणी है। ये देश का दुर्भाग्य है कि आजादी के बाद ऐसे वीरों के साथ न्याय नहीं हुआ। मुझे संतोष है कि आजादी के 75 वर्ष होने पर अमृत महोत्सव के दौरान हमने ऐसे वीर वीरांगनाओं को याद किया, उनकी स्मृतियों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाया। साथियों, झारखंड आना मुझे पुरानी स्मृतियों को ताजा करने का अवसर भी देता है। गरीबों की सबसे बड़ी ताकत आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत झारखंड से ही हुई थी। कुछ ही साल पहले खूंटी में मैंने सोलर पावर से चलने वाले जिला न्यायालय का उद्घाटन किया था। अब आज झारखंड की इस पावन भूमि से एक नहीं बल्कि दो दो ऐतिहासिक अभियानों की शुरुआत होने जा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा सैचुरेशन के सरकार के लक्ष्यों को प्राप्त करने का सशक्त माध्यम बनेगी। पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान विलुप्त होने की कगार पर खड़ी जनजातियां, जिसे हम अब तक प्रिमिटिव ट्राइब के रूप में जानते हैं, उनकी रक्षा करेगा, उन्हें सशक्त करेगा। ये दोनों ही अभियान अमृत काल में भारत की विकास यात्रा को नई ऊर्जा देंगे। मेरे परिवारजनों, मुझे सरकार के मुखिया के तौर पर, हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर अब 2 दशक से भी ज्यादा समय बीत गया है। देशवासियों की आकांक्षाओं को जानने का, समझने का मुझे बहुत करीबी से मौका मिला है। अपने उन अनुभवों के आधार पर मैं आज एक अमृत मंत्र आपके सामने रख रहा हूं और भगवान बिरसा मुंडा की धरती से रख रहा हूं। अगले 25 वर्षों के अमृत काल में अगर हमें विकसित भारत की भव्य और दिव्य इमारत का निर्माण करना है तो हमें उसके 4 अमृत स्तंभों को और मजबूत करना होगा, निरंतर मजबूत करना होगा। हमारी सरकार ने जितना 10 साल में किया, अब उससे भी ज्यादा ऊर्जा के साथ हमें इन 4 अमृत स्तंभों पर अपनी पूरी ताकत लगानी है। और विकसित भारत के 4 अमृत स्तंभ मैं आपको बताना चाहता हूं, ये 4 अमृत स्तंभ है क्या? पहला अमृत स्तंभ, भारत की हमारी महिलाएं, हमारी माताएं बहनें, हमारी नारी शक्ति। दूसरा अमृत स्तंभ है हमारे भारत के किसान भाई बहन और किसानी से जुड़े हुए जो कारोबार है, चाहे पशुपालक हो, चाहे मछली पालक हो, ये सारे हमारे अन्नदाता। तीसरा अमृत स्तंभ, भारत के नौजवान, हमारे देश की युवा शक्ति, जो आने वाले 25 साल में देश को नई ऊंचाई पर पहुंचाने वाली सबसे बड़ी शक्ति है।
और चौथा अमृत स्तंभ भारत का मध्यम वर्ग, नियो मिडिल क्लास और भारत के मेरे गरीब भाई बहन, इन चार स्तंभों को हम जितना मजबूत करेंगे, विकसित भारत की इमारत भी उतनी ही ऊंची उठेगी। मुझे संतोष है कि बीते 10 वर्षों में इन चार स्तंभों को सशक्त करने के लिए जितना कार्य हुआ है उतना पहले कभी नहीं हुआ। साथियों, आज तक और आजकल हर तरफ भारत की इस सफलता की चर्चा है कि हमारी सरकार के 5 वर्षों में 13 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। आखिर बीते कुछ वर्षों में ऐसा क्या हुआ जो इतना बड़ा परिवर्तन जमीन पर देखने को मिला? 2014 में जब हमें आप सब ने दिल्ली की गादी पर बिठाया, सरकार चलाने का दायित्व दिया, उस दिन से हमारा सेवा काल शुरू हुआ है। हम सेवा करने के लिए आए हैं और उस सेवा काल के बात करूं तब उस समय हमारे आने से पहले भारत की एक बहुत बड़ी आबादी मूलभूत सुविधाओं से वंचित थी। देश के करोड़ों गरीबों ने इस बात की उम्मीद भी छोड़ दी थी कि कभी उनका जीवन बदल पाएगा, और सरकारों का रवैया भी ऐसा था कि वो खुद को जनता का माई बाप समझती थी। हमने माई बाप की भावना से नहीं बल्कि सेवक की भावना से आपके सेवक की तरह काम करना शुरू किया। जो वंचित थे हमने उन्हें वरीयता देना शुरू किया। जिन्हें सबसे दूर समझा जाता था सरकार खुद चलकर उनके पास गई। जो दशकों से उपेक्षित थे हमारी सरकार उनका संबल बनी, उनकी साथी बनी। ब्यूरोक्रेसी वही थी, लोग वही थे, फाइलें भी वही थे, कानून नियम भी वही थे, लेकिन सोच बदली। और सोच बदली तो परिणाम भी बदल गए। 2014 से पहले देश के गांवों में स्वच्छता का दायरा 40% से भी कम था। आज हम 100% के लक्ष्य पर पहुंच रहे हैं। हमारी सरकार से पहले LPG कनेक्शन सिर्फ 50-55% घरों में था, आज करीब करीब 100% घरों में महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिल चुकी है। पहले देश के सिर्फ 55% बच्चों को ही जीवन रक्षक टीके लग पाते थे, आधे बच्चे रह जाते थे, आज लगभग 100% बच्चों का टीकाकरण हो पा रहा है। आजादी के बाद 7 दशकों में देश के सिर्फ 70% 17% 17
17% ग्रामीण परिवारों तक नल से जल की सुविधा थी, 20% भी नहीं। जल जीवन मिशन की वजह से आज ये भी 70% तक पहुंच रहा है। और साथियों, हम आप जानते हैं कि समाज में जिनको उस समय मिला था वो कौन थे, ये शुरुआती मलाई मिली वो लोग कौन थे, ये सारे रसूखदार लोग हुआ करते थे, जो संपन्न लोग होते थे, जिनकी सरकार में पहुंच होती थी, पहचान होती थी, वो सुविधाएं और व्यवस्थाएं आसानी से जुटाते थे और सरकार का भी मन दिमाग ऐसा था उन्हीं को ज्यादा देते थे। लेकिन जो लोग समाज में पीछे रहे थे, जो मूल सुविधाओं से वंचित थे, उन पर ध्यान देने वाला भी कोई नहीं था। वो असुविधाओं के बीच अपना जीवन काट रहे थे। मोदी ने समाज के ऐसे वंचितों को अपनी प्राथमिकता बनाया, क्योंकि वो लोग हैं जिनके बीच में जिया हूं। मैंने कभी ऐसे परिवारों की रोटी खाई है, मैंने कभी समाज के आखिरी व्यक्ति का नमक खाया है। मैं आज भगवान बिरसा मुंडा की इस धरती पर वो कर्ज चुकाने आया हूं। मेरे परिवारजनों, आमतौर पर सरकारों का रवैया रहता है कि जो आसानी से हासिल हो जाए उस लक्ष्य को पहले प्राप्त करो, लेकिन हमने दूसरी रणनीति पर काम किया। मैं तो ज्ञानियों को कहूंगा इसका अध्ययन करें। आपको याद होगा, आजादी के इतने दशकों के बाद भी 18,000 गांव ऐसे रह गए थे जहां बिजली नहीं पहुंची थी। 18वीं शताब्दी में जीने के लिए, अंधेरे में जीने के लिए मजबूर थे। उन्हें अंधेरे में जीने के लिए छोड़ दिया गया था, क्योंकि वहां बिजली पहुंचाने के लिए कई तरह की मुश्किलों का सामना, कठिन था, मैं मानता हूं, लेकिन कठिन था तभी तो करना होता है। मक्खन पे लकीर तो हर कोई करता है, अरे पत्थर पर भी तो लकीर करनी चाहिए। और मैंने लाल किले से वादा किया था देश को कि मैं 1000 दिन में 18,000 गांवों तक बिजली पहुंचाने का कठिन संकल्प मैंने सार्वजनिक रूप से लिया था। और आज मुझे सर झुका करके कहना है कि ये आपके सेवक ने उस काम को समय पर पूरा कर दिया था। साथियों, हमारे देश में 110 से ज्यादा जिले ऐसे थे जो विकास के हर पैरामीटर पर पिछड़े हुए थे, बहुत पीछे थे। इन जिलों पर पुरानी सरकारों ने थप्पा लगा दिया, ये तो पिछड़े हैं, और पहले की सरकारें बस उसकी पहचान कर ली, ये बेकार है, पिछड़े हैं, आगे कुछ नहीं हो सकता है, और सरकार सोती रही। इन जिलों में शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं दशकों से दयनीय स्थिति में थी। और संयोग देखिए कि इन्हीं पिछड़े जिलों में
देश की सबसे ज्यादा मेरे आदिवासी परिवारों की जनसंख्या रहती थी। जब अफसरों को पनिशमेंट पोस्टिंग करनी होती थी तो इन्हीं जेलों में भेज दिया जाता था। थका हुआ, हारा हुआ, नाकाम जो व्यक्ति है उसी को कहते जाओ यार तुम उधर रहो, तुम्हारा इधर काम नहीं है। अब वो जाके क्या करेगा? इन 110 से ज्यादा जिलों को अपने हाल पर छोड़कर भारत कभी विकसित नहीं हो सकता था। इसलिए वंचितों को वरीयता के सिद्धांत पर चलते हुए हमारी सरकार ने इन जिलों को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, आकांक्षी जिलों के रूप में घोषित किया। हमने इन जिलों में सरकारों को विश्वास में लेकर के सबसे होनहार अफसरों को नियुक्त करने पर जोर दिया। जिन जिलों में हम शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क ऐसे अनेक विषयों पर शून्य से काम शुरू करके सफलता के नए शिखर पर पहुंच रहे हैं, यहां झारखंड में भी ये अपना खूंटी समेत ऐसे कई जिले उस सूची में है। अब आकांक्षी जिला अभियान की सफलता को आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के जरिए इसका विस्तार किया जा रहा है। मेरे परिवारजनों, दशकों तक हमारे देश में सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय और सेक्युलरिज्म न जाने रोज सुबह शाम इसके गीत तो बहुत गाए, बयानबाजी बहुत होती रही। सच्चा सेक्युलरिज्म तभी आता है जब देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव की सारी संभावनाएं खत्म हो जाए। सामाजिक न्याय का भरोसा तभी मिलता है जब सबको बराबरी से, समान भावना से सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। दुर्भाग्य से आज भी बहुत से राज्यों में कई गरीब हैं जिनके पास योजनाओं की पर्याप्त जानकारी नहीं है। कई ऐसे भी गरीब हैं जो योजनाओं का लाभ लेने के लिए भाग दौड़ करने में सक्षम नहीं है। आखिर कब तक हम उन्हें उनके हाल पर छोड़े रहेंगे? इसी दर्द में से, इसी पीड़ा में से, इसी संवेदना में से ये एक सोच निर्माण हुई है और इसी सोच के साथ अब आज से विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू हो रही है। ये यात्रा आज 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती 15 नवंबर से शुरू करके अगले साल 26 जनवरी को तक उसको चलाया जाएगा। इस यात्रा में सरकार मिशन मोड में देश के गांव गांव जाएगी, हर गरीब, हर वंचित को सरकारी योजनाओं का जो हकदार है उसके हक के लिए उसको लाभार्थी बनाया जाएगा, उसको इस योजना पहुंचे उसकी व्यवस्था की जाएगी। और आपको याद होगा, मेरे मीडिया के कुछ मित्रों को मालूम नहीं रहता है, 2018 में भी मैंने एक प्रयोग किया था। केंद्र सरकार ने ऐसे ही एक ग्राम स्वराज अभियान चलाया था और मैंने भारत सरकार के 1000 अफसरों को गांवों में भेजा था, एयर कंडीशन कमरों से निकाल करके 1000 अफसर गांवों में जाकर के बैठे थे। इस अभियान में भी हम 7 प्रमुख योजनाओं को लेकर हर गांव तक गए थे। मुझे विश्वास है
कि ग्राम स्वराज अभियान की तरह ही हमें विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी हर गांव जाकर के ऐसे हर हकदार को मिलकर के इस योजना को सफल करने का प्रण लेकर के निकलना है। और जब भगवान बिरसा की धरती से निकलते हैं तो सफलता अवश्य मिलती है। मैं वो दिन देख रहा हूं जब हर गरीब के पास मुफ्त राशन देने वाला राशन कार्ड होगा, जब हर गरीब के पास उज्ज्वला का गैस कनेक्शन होगा, सौभाग्य का बिजली कनेक्शन होगा और नल से जल होगा। मैं वो दिन देख रहा हूं जब हर गरीब के पास 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने वाला आयुष्मान कार्ड होगा, जब हर गरीब के पास उसका अपना पक्का घर होगा। मैं वो दिन देख रहा हूं जब हर किसान केंद्र सरकार की पेंशन योजना से जुड़ जाएगा, जब हर मजदूर पेंशन योजनाओं का लाभार्थी हो जाएगा, जब हर पात्र नौजवान मुद्रा योजना का लाभ ले सकेगा और एक एंटरप्रेन्योर बनने की दिशा में कदम रखेगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा एक तरह से देश के गरीबों को, देश की माताओं बहनों को, देश के नौजवानों को, देश के किसानों को मोदी की गारंटी है। और जब मोदी की गारंटी होती है ना, तो आप जानते हैं वो गारंटी क्या होती है। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। मेरे परिवारजनों, विकसित भारत के संकल्प का एक प्रमुख आधार है पीएम जनमन, यानी पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। सामाजिक न्याय जनरल बातें हुई, मोदी हिम्मत करके निकला है आदिवासी न्याय अभियान को लेकर के। आजादी के बाद कई दशकों तक आदिवासी समाज को लगातार नजरअंदाज किया गया। मैं अटल जी की सरकार थी जिसने आदिवासी समाज के लिए अलग मंत्रालय बनाया, अलग से बजट बनाया। हमारी सरकार के दौरान अब आदिवासी कल्याण का बजट पहले के मुकाबले 6 गुना तक बढ़ चुका है। पीएम जनमन योजना का नाम रखा है पीएम जनमन। पीएम जनमन यानी पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। इसके तहत अब हमारी सरकार उन आदिवासी भाई बहनों तक पहुंचेगी जिन तक अभी नहीं पहुंचा गया। ये वो जनजातीय समूह है, हमने कह तो दिया वो प्रिमिटिव ट्राइब्स है, जिनमें से ज्यादातर अब भी जंगलों में रहने के लिए मजबूर है। उन्होंने रेल की देखने की बात छोड़ो, आवाज भी नहीं सुनी है। देश के 22,000 से ज्यादा गांवों में रह रहे ऐसे 75 जनजातियां, वो 75 जनजातीय समुदाय की, प्रिमिटिव ट्राइब्स की पहचान हमारी सरकार ने की है। जैसे पिछड़ों में भी अति पिछड़े होते हैं, वैसे ही ये आदिवासियों में भी सबसे पीछे रह गए आदिवासी है। देश में इनकी संख्या लाखों में है। इन सबसे पिछड़े
आदिवासियों को मूल सुविधाएं भी नहीं मिली हैं, आजादी के 75 साल के बाद भी नहीं मिली है। इस आदिवासी समाज के लोगों को कभी पक्का मकान नहीं मिला। इनकी कई कई पीढ़ियां में बच्चों ने स्कूल तक देखा नहीं है। इस समाज के लोगों के कौशल विकास पर ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए अब इन जनजातियों तक भारत सरकार विशेष अभियान चलाकर पहुंचने वाली है। पहले की सरकारों ने आंकड़ों को जोड़ने का काम कर लिया, जो नजदीक है, जो ऊपर पहुंच चुके हैं उन्हीं से काम करवा लेना, लेकिन मुझे सिर्फ आंकड़ों को जोड़ करके नहीं बैठना है, मुझे तो जीवन को जोड़ना है, जिंदगियों को जोड़ना है। हर जिंदगी में जान भरनी है, हर जिंदगी में नया जज्बा भरना है। इसी लक्ष्य के साथ आज पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान यानी पीएम जनमन, हम जनगण मन तो गाते हैं, आज मैं पीएम जनमन के साथ इस महाअभियान की शुरुआत हो रही है। इस महाअभियान पर भारत सरकार 24,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। साथियों, इस महाअभियान के लिए मैं विशेष तौर पर आदरणीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हमने अभी उनका वीडियो संदेश भी सुना है। जब वो यहां झारखंड में राज्यपाल थी और उससे पहले जब ओडिशा में भी वो मंत्री के रूप में काम करती थी, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करती थी, तो ऐसे आखिरी छोर पर रहने वाले आदिवासी समूहों को आगे लाने के लिए वो दिन रात प्रयास करती रहती थी। राष्ट्रपति बनने के बाद भी वो राष्ट्रपति भवन में ऐसे समूहों को सम्मान के साथ बुलाती रही, उनकी समस्याओं को समझ करके उसके उपाय की चर्चा करती रही। मुझे विश्वास है कि उन्होंने हमें जो मार्गदर्शन दिया है, उन्होंने हमें जो प्रेरणा दी है, उनकी इस प्रेरणा से हम ये पीएम जनमन, पीएम जनजाति आदिवासी न्याय, आदिवासी न्याय, आदिवासी न्याय महाअभियान में जरूर सफल होंगे। मेरे परिवारजनों, हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी विमेन लेड डेवलपमेंट का भी प्रेरक प्रतीक है। बीते वर्षों में जिस तरह भारत ने पूरी दुनिया को नारी शक्ति के विकास का मार्ग दिखाया है, वह अभूतपूर्व है। ये वर्ष माताओं, बहनों, बेटियों की सुविधा, सुरक्षा, सम्मान, स्वास्थ्य और स्वरोजगार के रहे हैं। ये हमारे झारखंड की बेटियां खेलकूद में जो नाम कमा रही है ना, सीना चौड़ा हो जाता है। हमारी सरकार ने महिलाओं के जीवन के हर पड़ाव को ध्यान में रखते हुए उनके लिए योजनाएं बनाई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से बेटियों की जनसंख्या बढ़ी है और स्कूलों में छात्राओं के नामांकन में भी वृद्धि हुई है। सरकारी स्कूलों में छात्राओं के लिए अलग शौचालय निर्माण से स्कूल छोड़ने की मजबूरी कम हुई है। पीएम आवास योजना के तहत करोड़ों घर मालकिन बहनें बनी हैं, बहनों के नाम रजिस्टर हुआ है, पहली बार उनके नाम पर कोई प्रॉपर्टी हुई है। सैनिक स्कूल डिफेंस एकेडमी को बेटियों के एडमिशन के लिए पहली बार खोल दिया गया है। मुद्रा योजना के तहत लगभग 70% बिना गारंटी के ऋण लेने वाली मेरे देश की महिलाएं हैं, मेरी बेटियां हैं।
महिला स्वयं सहायता समूहों को भी आज सरकार से रिकॉर्ड आर्थिक मदद दी जा रही है और लखपति दीदी अभियान। कुछ लोगों को मेरी बातें सुनकर के चक्कर आ जाते हैं। मेरा सपना है 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बना के रहूंगा। 2 करोड़ महिलाओं को स्वयं समाज सहायता समूह चलाने वाली 2 करोड़ महिलाएं लखपति बन के रहने वाली है। देख लेना आप, कुछ महीने पहले ही हमारी सरकार ने विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं को आरक्षण देने वाला नारी शक्ति बंधन अधिनियम भी अपनाया है। आज भाई दूज का पवित्र पर्व है। देश की सभी बहनों को उनका ये भाई गारंटी देता है कि बहनों के विकास में आने वाली हर रुकावट को ये आपका भाई ऐसे ही दूर करता रहेगा। आपका भाई आपकी मुसीबतों की मुक्ति के लिए जी जान से जुटा रहेगा। नारी शक्ति का अमृत स्तंभ विकसित भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभाएगा। मेरे परिवारजनों, केंद्र सरकार विकसित भारत की यात्रा में हर व्यक्ति के सामर्थ्य का उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है। 2 महीने पहले ही हमने पीएम विश्वकर्मा योजना भी शुरू की है। सरकार ने उन लोगों को आगे लाने का प्रयास किया है जो अपने पारंपरिक कौशल के लिए जाने जाते हैं। कुम्हार हो, लोहार हो, सुतार हो, सुनार हो, मालाकार हो, राजमिस्त्री हो, बढ़ई हो, अरे कपड़े धोने वाले हो, कपड़े सिलने वाले हो, जूते बनाने वाले हो, ऐसे हमारे साथी, ये हमारे विश्वकर्मा साथी इस योजना के तहत विश्वकर्मा साथियों को आधुनिक ट्रेनिंग मिलेगी और ट्रेनिंग के दौरान उनको पैसा मिलेगा, उनको अच्छे नए औजार मिलेंगे, नई टेक्नोलॉजी मिलेगी और इस पर 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मेरे परिवारजनों, आज देश के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त रिलीज की गई है। अब देश के करोड़ों किसानों के खातों में भेजी गई कुल रकम 2,75,000 करोड़ रुपए को पार कर गई है। आप में से जो किसान यहां बैठे होंगे उनके मोबाइल पर मैसेज आ चुका होगा कि 2,000 रुपया आपके खाते में जमा हो गया है। कोई कटकी कंपनी नहीं, कोई बिचौलिया नहीं, डायरेक्ट मोदी का सीधा नाता रहता है आपके साथ। ये वही किसान है जिनकी पहले कोई पूछ नहीं होती थी। अब इन किसानों की जरूरतों का ध्यान सरकार रख रही है। ये हमारी सरकार है जिसने पशुपालकों और मछली पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा है। पशुधन के मुफ्त टीकाकरण की हमारी सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए। कोरोना के बाद आपको मुफ्त टीका रखा, 1,000 करोड़ खर्च किए गए, आपके हर परिवारजन को बचाने की कोशिश की गई। इतना ही नहीं, अब 15,000 करोड़ रुपया खर्च करके मुफ्त में पशु का टीकाकरण भी हो रहा है, आप भी इसका फायदा उठाइए। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए अभी मैं यहाँ एक प्रदर्शनी लगी है, 1-1.5 लाख रुपए वो मछली और उसमें से मोती बनाने का काम कर रहे हैं। मत्स्य संपदा योजना के तहत आर्थिक मदद दी जा रही है। आज देश में 10,000 नए किसान उत्पाद संघ एफपीओ बन रहे हैं। इससे किसानों की लागत कम हुई है और बाजार तक पहुंच आसान हुई है। हमारी सरकार के प्रयासों से इस वर्ष इंटरनेशनल मिलेट ईयर मनाया जा रहा है। मोटे अनाज को श्री अन्न की पहचान देकर विदेश के बाजारों तक पहुंचाने के लिए पूरी तैयारी हो रही है। इसका भी लाभ हमारे आदिवासी भाई बहनों को होगा। साथियों, सरकार के इन चौतरफा प्रयासों से झारखंड जैसे राज्यों में
नक्सली हिंसा में भी कमी आई है। एक दो साल में झारखंड की स्थापना के 25 साल पूरे होने जा रहे हैं। ये झारखंड के लिए बहुत ही प्रेरणादायी समय है। इस माइलस्टोन पर झारखंड में 25 योजनाओं के सेचुरेशन का लक्ष्य लेकर काम शुरू किया जा सकता है। मैं झारखंड सरकार से भी आग्रह करूंगा, मैं झारखंड के सभी नेताओं से आग्रह करूंगा कि 25 साल का लक्ष्य तय करके एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जाए। इससे राज्य के विकास को नई गति मिलेगी और यहाँ के लोगों का जीवन भी और आसान बनेगा। हमारी सरकार शिक्षा के विस्तार और युवाओं के अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है। देश में आज आधुनिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है। अब विद्यार्थियों को मातृभाषा में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई का विकल्प मिल रहा है। बीते 9 वर्षों में पूरे देश में 300 से अधिक यूनिवर्सिटीज बनी है। 5,500 से अधिक नए कॉलेज बने हैं। डिजिटल निजी अभियान ने युवाओं को नए अवसर दिए हैं। गांव गांव कॉमन सर्विस सेंटर्स में हजारों युवाओं को रोजगार मिला है। 1,00,000 से अधिक स्टार्टअप के साथ दुनिया का तीसरा बड़ा इकोसिस्टम भारत में बना है। आज रांची में IIM कैंपस और IIT ISM, धनबाद में नए हॉस्टल का भी लोकार्पण हुआ है। साथियों, अमृत काल में 4 अमृत स्तंभ हमारी नारी शक्ति, हमारी युवा शक्ति, हमारी कृषि शक्ति और हमारे गरीब और मध्यम वर्ग की सामर्थ्य शक्ति भारत को निश्चित ही नई ऊंचाई पर ले जाएंगे, विकसित भारत बनाएंगे। मैं इन परियोजनाओं के लिए, राष्ट्र निर्माण के इस अभियानों के लिए एक बार फिर आप सबको निमंत्रण भी देता हूं, आप सबको बधाई भी देता हूं। मेरे साथ मैं कहूंगा भगवान बिरसा मुंडा, आप कहिए अमर रहे अमर रहे। भगवान बिरसा मुंडा, अमर रहे अमर रहे। भगवान बिरसा मुंडा, दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए भगवान बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। आइए हम सब खड़े होकर करतल ध्वनि के साथ, तालियों की गूंज के साथ, खूंटी की धरा से धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के साथ जुड़ी पावन भूमि से आभार व्यक्त करें। तालियों की गूंज आपकी आनी चाहिए मंच तक भी और देश के उन तमाम हिस्सों तक जहां आज इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार उनके संबोधन के लिए, उनसे मिलने वाली प्रेरणा के लिए, उनसे मिलने वाले स्नेह के लिए और उनके उस नेतृत्व के लिए भी देवियों सज्जनों, जिसमें आज भारत एक विकसित राष्ट्र के सपने को साकार होते न सिर्फ देख रहा है बल्कि उसका भागीदार भी बन रहा है।